ये तमाम सर जो मसाइल उठ खड़े हो रहे हैं, मिल्लत के ऊपर जो परेशानियां आ रही हैं, यहाँ पर हिजाब के बारे में तमाम सर मुस्लिम एमएलए को असेंबली में बात करना चाहिए था, उन्होंने बात नहीं की। बहुत सारे मामला मालूम पड़ेगी, कांग्रेस के लीडर्स को जो परमिशन दी गई है पूजा करने की, उसमें वो लोग शामिल थे। CAA NRC का इतना बड़ा एहतजाज, तारीखी एहतजाज, 1 से 1.5 लाख के मजमे को नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने क़यादत की, वो तारीखी एहतजाज की आवाज़ ही थी जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि मोदी की हुकूमत को ये बात को तस्लीम करना पड़ा। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय बाकर्स पब्लिक स्कूल गुलबर्गा। योर किड्स डिजर्व द बेस्ट एजुकेशन। इंटरैक्टिव एंड एंगेजिंग एक्टिविटीज, होलिस्टिक टीचिंग एंड लर्निंग। 2023 एडमिशन आर इन प्रोग्रेस, नर्सरी टू ग्रेड 9। एड्रेस बिहाइंड KNZ गार्डन फंक्शन हॉल, रिंग रोड, गुलबर्गा। जो हालात में नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने मिल्लत की क़यादत की है, जहाँ पर हम लोगों की शहरियत का मामला आया था, जब CAA NRC का इतना बड़ा एहतजाज, तारीखी एहतजाज, 1 से 1.5 लाख के मजमे को नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने क़यादत की और कमिश्नर से भिड़ गए, तमाम कर 144 के सेक्शन को तोड़ते हुए पूरे मजमे की, पूरे 1 से 1.5 लाख के लोगों की क़यादत की और उसके बाद में एक तारीखी एहतजाज दर्ज किया, वो तारीखी एहतजाज की आवाज़ ही थी जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि मोदी की हुकूमत को ये बात को तस्लीम करना पड़ा और वो CAA का जो वो लोग कानून लेकर आए थे उसके अभी तक वो रूल्स एंड रेगुलेशंस तक बनाए नहीं हैं उन्होंने। लेकिन हालात दिन ब दिन तब्दील होते चले जाएंगे, हो सकता है आने वाले वक्त पे सेंसस के नाम पर फिर एक बार वो लोग कोशिश करें। ऐसे हालात में हमें एक मजबूत क़यादत के होने की बहुत सख्त ज़रूरत है। हम लोगों ने ये भी देखा है कि अलंद के मसाइल में नासिर हुसैन उस्ताद साहब जिस तरीके से जगत सर्कल के ऊपर एहतजाज किए और एहतजाज करने के नतीजे में अगर वो नहीं रहते तो वहाँ पर भी नौजवानों को गिरफ्तार किया जाता। 165 लोगों को जो अलंद में गिरफ्तार किया था उसके बाद में यहाँ पर भी गिरफ्तारियाँ हो सकती थी, लाठीचार्ज होने का खतरा था। नासिर हुसैन उस्ताद साहब मौजूद थे, वो हालात टल गए। फिर उसके बाद जब DC और SP से बातचीत हुई उनकी, तो वो बातचीत में हम लोगों के सामने बहुत सारे इंकशाफ हुए, बहुत सारे मामला मालूम पड़े कि कांग्रेस के लीडर्स खुद वो जो परमिशन दी गई है पूजा करने की उसमें वो लोग शामिल थे और इसका अंदाज़ा हमें इस बात से लगता है कि मोहतरमा भी वहाँ पर मौजूद थी जब एहतजाज वहाँ के लोगों ने किया था, तो वो एहतजाज में एहतजाज के दौरान मोहतरमा गणेश फतेमा साहिबा भी वहाँ पर मौजूद थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो वहाँ से बेंगलुरु चली गई और उसके बाद 165 लोगों की गिरफ्तारियां हुई और उनको छुड़ाने का काम जो साहब उनके भाइयों को करना पड़ा। ये तमाम तर जो मसाइल उठ खड़े हो रहे हैं, मिल्लत के ऊपर जो परेशानियां आ रही हैं, जहां पर हिजाब के बारे में तमाम तर मुस्लिम MLA को असेंबली में बात करना चाहिए था, उन्होंने बात नहीं की और ना ही किसी और मुस्लिम MLA ने बात की। तो ऐसे कायदीन जो हमारे हक के लिए हमारे मसाइल में जब एक लफ्ज़ बोलने को लिए तैयार नहीं है, हिजाब को यूनिफॉर्म का हिस्सा बनाने के लिए अल्फाज बोलने के लिए तैयार नहीं है, हमें चाहिए कि हमें इस बार तब्दीली लाएं और ऐसे कायदीन जो बात कर सकते हैं, मिल्लत को पहले और पार्टी को बाद में रखते हैं, वैसे कायदीन को हमें मौका देना चाहिए। हसास मसाइल में बात करना और जुरत आमेज अंदाज में उनसे भिड़ने के लिए तैयार रहना, ये काम करने वाले शख्स को हमें इस बार मौका देना चाहिए। इसी गुजारिशात के साथ नासिर हुसैन उस्ताद साहब आप लोगों से इजाज़त लेने के लिए आए हैं कि आप लोग अगर इजाज़त देते हैं तो वो इस बार का इलेक्शन इंतखाबात में हिस्सा लेंगे।